सूखी है नहीं सूखी? सूख गए वो भाई, गरम है बिल्कुल, सूख गई। हाँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु YouTube फैमिली के साथ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशखुरम होंगे, मजे में होंगे, अच्छे होंगे और अपने अच्छे काम मसरूफ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं YouTube फैमिली। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लिया करें। YouTube फैमिली आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, प्लीज हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखें प्लीज। मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है YouTube फैमिली। यहाँ पे देखिए व्यूअर, चेक करें, आज जो है ना हमारा नाश्ते का इंतजाम हो रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ते के इंतजाम हो रहे हैं। सुहेल जो है ना अंडा फेंट रहा है और नैना जो है आग सेक रही है और मुजम्मिल चाय के साथ नाश्ता कर रहा है। वाह भाई वाह, मुजम्मिल बहुत फास्ट है खाने पीने की चीज़ों में, मुजम्मिल बहुत फास्ट होता है और वो सबसे पहले हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में सबसे पहले अपना किरदार अदा करता है मुजम्मिल। ऐसे हाँ खुश हो गया था जी। और ये सुहेल साहब जो है ना अंडा फेंट रहे हैं, लगता है ये मेरे लिए अंडा फेंट रहे हैं। ऐसे सुहेल साहब आप कहाँ रहे? अच्छा अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। और इधर माशाल्लाह पराठे भी बन रहे हैं गर्मा गर्म, और अभी पहले पीते हैं चाय, उसके बाद करेंगे नाश्ता अंडे के साथ। माशाल्लाह से अंडा भी सुहेल ने डाल दिया है और मेरी भाई बना रही है, तो आज नाश्ता करेंगे अंडे के साथ। आज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन हुए चेंज नहीं किया हमने, पराठे के साथ और चाय के साथ करते थे, तो आज नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह अंडे के साथ। हमारी मुर्गियाँ एक तो अंडे नहीं देती सुहेल, हमारी मुर्गियाँ अंडे ही नहीं देती, पता नहीं हमारी किस्मत क्या है, हमारी किस्मत को एक मुर्गी कल मुझे लगता है काली आवाज देगी। अच्छा, और एक मुर्गी हमें बोल रहे दे रही है, पता नहीं कहाँ पर डाल के आती है। क्या करें यार, उनको 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 देखो यार वो कहाँ अंडा। आज मैं घर उनको देखूंगा। अंडा बहुत कीमती अंडा, 50 रुपए का अंडा मिल रहा है, 50 रुपए का, 50 रुपए का तो फार्म नहीं मिल रहा है। क्या करें, हमारी मुर्गियाँ इतने सारे अंडा एक नहीं है, खाली बीठे हैं, अंडा नहीं है। नाश्ता हमारा आ चुका है मेरा और सुहेल का, आज मैं और सुहेल नाश्ता करेंगे अंडे के साथ। नाश्ता माशाल्लाह बहुत ही यमी अंडा लग रहा है, सुहेल चेक करो नमक मिर्च सही है या कम ज़्यादा है, चेक करते हैं। हाँ देखो चेक करो चेक करो चेक करो, कैसा है कैसा है, VIP, इसमें नमक कम होगा यार? नहीं है, नहीं है। चलो भाई मैं भी करता हूँ नाश्ता अंडे के साथ, क्योंकि सुहेल ने हमला कर दिया है अंडे के ऊपर। अभी मैं और हमजा का अबू जा रहे हैं भूसा लेने के लिए, पीछे मैंने तरपाले उठाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम है, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी जो हम जा रहे हैं और जाना भूसा लेती है, क्योंकि भूसा हो गया हमारा ख़त्म, तो जाने के लिए भूसा ले कहीं दूर जा रहे हैं, रखते हैं और देखते हैं भूसा अगर अच्छा होता है ठीक है, वरना नहीं लेंगे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, धुंध है, धुंधी धुंध है, कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद पर और भूसा लेने के लिए। तो माशाल्लाह चेक करें, फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां से लेना है भूसा, और ये भाई साहब को भी हमने लिया हुआ है, तो हमजा का भी ठहरा हुआ है, तो अभी हम उनके घर चलते हैं और भूसा देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, अगर काला होगा तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि सफ़ेद भूसा जो जानवर खाते हैं काला नहीं खाते। तो हम जा रहे हैं उनके घर और चेक करते हैं भूसा, तो ये रहा इनका घर और ये देखें उनके जानवर, देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर हैं, बकरियाँ वगैरह हैं, और ये इनके छोटे छोटे बच्चे भी इधर ठहरे हुए हैं। हाँ छोटी मुनी क्या हुआ, हाँ जी वाह हाथ दे रही है माशाल्लाह। और ये रहा भूसा, तो अभी इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं, ऊपर से तो ख़राब लग रहा है लेकिन फिर निकालते हैं, देखते हैं अगर नीचे सही हुआ ठीक वरना नहीं लेंगे। अभी जो हमजा का अब्बू और ये भाई साहब जो हमें हेल्प कर रहे हैं, और ये आगे वाले जो कचरा पड़ा हुआ है और ऊपर कांटे पड़े हैं ये उठा रहे हैं, और ये सेड वाली जगह को साफ कर रहे हैं, ये तो लगे हुए हैं अपने कामों में, और मुझे भाई लगी है सटी, तो मैं यहाँ पे हाथ सेकता हूँ, हाथ सेकने के बाद जो है ना फिर मैं भी उनकी हेल्प कराऊँगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा जो है ना मैं अभी हाथ सेक लूँ, आप थोड़ा सा काम कर लें, आप इधर बैठना हाथ सेकना और मैं जो है ना काम करूँगा। वो भूसा तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे कोई अच्छे वाला हो। तो ये बेचारे लगे हुए हैं भूसा, क्योंकि साफ नहीं मिल रहा कि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो भूसा हो गया ख़राब। अब हर जगह से देख रहे हैं जहाँ से अच्छा भूसा मिलेगा वहाँ से लेंगे, वरना नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये ख़राब भूसा जो जानवर नहीं खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी घुस चुकी है और ये ख़राब हो गया, काला हो गया है, और मैं जो है ना
आग का मजा ले रहा हूँ। मैं आग पे बैठा हूँ और वो जो है ना लगे हुए हैं, क्योंकि ये भूसा जो है ना असलम ने लेना है, अगर मुझे मिल गया ठीक, वरना मैं कहीं और से ले लूँगा, क्योंकि ये भूसा मुझे पसंद नहीं आ रहा। फाइनली यहाँ से हमने भूसा नहीं लिया, क्योंकि ये भूसा जो है ना ख़राब था, काला था। तो अब आगे जा रहे हैं और ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं, अब जो है तरपाले को बांध रहे थे। फिर आगे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं भूसा, क्योंकि दिन भी काफ़ी चढ़ गया है, लेकिन अभी भी धुंध है, सर्दी भी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हम दूसरी जगह पर आए हैं और यहाँ पर देखें इनके मवेशी, और यहाँ से भूसा देखते हैं। वो तो भूसा था ख़राब, हाँ ये भी सही लग रहा है, यहाँ से लेंगे इंशाल्लाह। वो भूसा ख़राब था क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया, काला था, ये सही है। अभी माशाल्लाह हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर भूसा जो बिल्कुल ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना काम शुरू कर दिया और मैं भी इनकी हेल्प करवाता हूँ। माशाल्लाह ये भूसा देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा, वो ख़राब था, हमने बहुत मेहनत की लेकिन नाकाम रहे, सारा काला ही काला था भूसा जो उसके अंदर पानी चला गया था। ये साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है, बेहतरीन है। आज जो है मशीन लगाई जा रही है और अब जो है लगा रहे हैं पाइप, जिससे जो है पानी ना निकल जाए। तो ये जो है पाइप इसके साथ मिला था और अब जो है इसे लगा रहे हैं, पाइप जो है उन्हें फिट कर दिया है और इधर जो है लगा दिया है। पानी जब भरेंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग हो ही गई, देखो खुल गई है। धोएंगे कपड़े, जाओ यूज़ कर रहे हैं। हाँ पहली दफा, फर्स्ट टाइम देखते हैं। इसका पाइप नहीं है यार, इसका पाइप, ओ अभी इसका पाइप, हाँ वही तो है, बोलो इसका पाइप नहीं है, दो पाइप होने चाहिए थे, इसमें एक था शुरू से ही। हाँ, ये क्या हो गया? फिर ऐसे ही होगा, एक पाइप होगा और वो ऐसे निकलता होगा पानी। नहीं यार इसका ये है, हाँ इसका पाइप होगा, फिर नहीं, फिर लेना पड़ेगा न्यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर से पानी जो है अभी डाला जा रहा है, पहली दफा ये गया पानी। अभी जो पानी का मैंने सिस्टम नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए बाल्टी के जरिए डाल रहे हैं, भरना पड़ेगा उधर से। हाँ हमारे घर से उधर से लेकर आना पड़ेगा, सिस्टम नहीं, अभी सिस्टम नहीं बनाया इसका, जब सिस्टम बन जाएगा फिर तो आसानी हो जाएगी। आसानी नहीं है, अभी जाना पड़ेगा पानी लेके आना पड़ेगा। हाँ ये देखें अभी जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया, पता नहीं कितनी बार पानी लेके डालना पड़ेगा। और ये देखें अभी एक बाल्टी फुल डाली और आधी से भी बहुत कम है, एक दो या ढाई बाल्टी और आएगी इधर इसके अंदर, और फिर जो हम कपड़े धोएंगे पहली दफ़ा न्यू वॉशिंग मशीन के अंदर। यहाँ पे देखें कि पूरा जो है ना अंडा लगा हुआ है कपड़ों का, आज मेरी वाइफ ये सारे कपड़े धोएंगी सारे कपड़े, और पहला जो है ना डालिए, फिर जो यानी कि ज़्यादा साफ और सफ़ेद कपड़े ना पहले डालने पड़ते हैं, और इसमें वो भी डाल दिया है सर्फ वगैरह। आज खुश हो, देखते हैं फिर सुखाती है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, ये तो हम यूज़ करते रहते थे है ना, तो ये जब यूज़ करें फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, कपड़े सुखाती है नहीं सुखाती। चलाओ इसको, चलो सुहेल, और ये पहली दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तेरा आसरा, फुल हाँ बस, और माशाल्लाह पहला फिर चलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन का माशाल्लाह से। सुना है पहला फिर निकले कपड़ों का, कैसे निकले हैं, साफ से निकाल रही है, माशाल्लाह। अभी ये वाला यूज़ नहीं किया, ये वाला अच्छा, इसको खंगाल के फेराओगी। चलो ठीक है, सर्फ है ना इसके अंदर, अच्छा सही है, फिर इसके बाद में इसको चलाएंगे, देखें ये क्या करती है। कपड़े जो धुल चुके हैं, जर्सियाँ मेरी वाइफ डाल रही है इसके अंदर, तो पहले जर्सियाँ डाल रही हैं ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर से डालो ताकि एकदम से ये वो ना हो जाए, हाँ ऐसे डालो, ठीक हो गया। बस और जर्सी है नहीं है, जर्सी बस खाली, अब जर्सी ही साफ, क्योंकि ये काफ़ी वजनी होती है ना, हाँ ऐसे इसके अंदर हो, इसके अंदर डालो ना ये, हाँ ऐसे, हाँ ये हो गया, सही है, बस छोड़ दो इसको, अब छोड़ दो, अब इसको बंद करो, अब ये बटन जो है ना ये वाला, ठीक है ना, आप सीख रही हो ना, वो आप सीख गई हो ना इसको डालना सीख गई हो ना, तो अभी जो है ना ये वाला बटन जो है ना इसको ऐसे ऑन करते हैं, हाँ बस हाँ फुल, अब ये चल गई, ये देखा पानी, ओहो वाह जी वाह, ये देखो
पानी देख, पानी देख कितना पानी निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो सर्दी लगी है, अब सही हो रहा है। ये देखो पानी ये निकल रहा है, ये सारा खुश्क हो जाएगा। सुनाओ अब खुश हो? बहुत खुश हो? अब ये जब निकलेंगे फिर पता लगेगा कि सूखे हैं या नहीं। खुश तो हो रही हो? हाँ क्या हुआ? पानी तो निकल गया, सूखे बहन ना सूखे। नहीं नहीं इंशाल्लाह सूख जाएंगी, उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि हम पहले बटराई कर रहे हैं। मैं भी पहले बटराई कर रहा हूँ और क्या। मैं कौन सी, मेरे घर में कौन सी ये मशीनें थी, ये पहले बार लेके आया है तो देख। नहीं नहीं मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की, वो दूसरे वाले की थी जो बस खाली धोले वाले। चलो देखते हैं थोड़ी देर तक, ये जब सूख जाएंगे ना, जब ये इसका पूरा आ जाएगा फिर देखेंगे, ये बंद हो जाएंगे फिर देखते हैं कि क्या साफ करती है, सुखाती है या नहीं सुखाती, ये बाद में पता चलेगा। अभी ब्रेक के बाद फाइनली जो है ना आ गया है, फिर आ गया ना, बंद हो गई। हाँ खोलो इसको, निकालो इसको। हाँ ये देखें भाई, सूखी है नहीं सूखी? सूख गई। वो भाई गर्म है बिल्कुल, सूख गई। हाँ वाह बहुत खुश हो? सीरियस सूख गई नहीं सूखी? मजाक है, देखें सच्ची सच सूख गई। हाँ वाकई सूख गई, सूख गई, सूख गई। सफेद कितना निकली है देखे, मैल। हाँ मैल बहुत थी। अब तो भाई मजे हो गए तेरे, बहुत मजे हो गए मेरे, बहुत मजे हो गए। नहीं सोचा था। हाँ ये सूखी देखें, पूरी सूख गई है। ये भी दिखाओ ना, नीचे ख्याल करना, बिल्कुल सूख गई, बिल्कुल गर्म है, गर्म भी है। हाँ वाह की वाह की वाह की, जबरदस्त सही हो गया ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया? खुशी से अटैक हो रहा है। खुशी से कहीं मर नहीं ना जाए? मरना नहीं है मुझे अभी, नहीं मर रहे अब। ये चीजें यूज करके फिर, ये चीजें भी सुहेल की शादी करके फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपकी और डिमांड आ जाएगी? नहीं नहीं कोई डिमांड नहीं है। अच्छा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई है और माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन है और माशाल्लाह से सूख भी गया है। नैना सही हो गया ना? नैना भी बहुत खुश हो रही है माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना हमारी जो है नई हमने ली थी मशीन ड्रायर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरी वाइफ ने पहली दफ़ा ट्राई की और मैंने भी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चली है और कपड़े भी बिल्कुल साफ़ सुथरे धोए और जो है ना कपड़े को बिल्कुल सही ड्राई किया है, बस हल्के से नमी रह गई थी और हमने फिर उसको थोड़ी सी हवा लगाई तो वो भी सूख गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी है। और मैंने शानी को भी सिखाया कि किस तरह चलती है और किस तरह बंद होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शानी भी सीख गई है। और यहीं पर मेरा व्लॉग भी मैं एंड करता हूँ, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलता है कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।